हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये मेरा जॉनी है और ये बहुत फुर्तीला है। ये बहुत फुर्तीला है गाइस, ये देखो, ये एक मिनट भी चुप नहीं रहता है। इसमें एक टैलेंट है, ये दोनों पाँव में खड़ा होता है। देखो हाँ, ये दोनों पाँव में खड़ा होगा। ये देखो, और आगे आप ये देख सकते हो कि जो ये दृश्य आपको दिख रहा है, ये दरअसल हिमालय का है, और जो कि इस समय काफ़ी धुंध फैली हुई है, तो इसलिए ये दिख नहीं रहा है। तो जब कभी भी धुंध साफ होगी तो हम आपको कैप्चर करके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अब धीरे धीरे रात पड़ने वाली है, क्योंकि अभी शाम का टाइम है और जबी का टाइम है वो है 7:03। तो मतलब कुछ ही देर में अब रात हो जाएगी और धीरे धीरे लाइट ओपन हो जाएगी, तब काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा आपको। दिखाते हैं यहाँ पे जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पे एक मुर्गी फार्म है। मैं आपको जूम करके थोड़ा मुर्गियाँ दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, वाइट कलर की, और कैमरा क्वालिटी काफ़ी लो है, इसके लिए मैं हम माफ़ी चाहेंगे। पर हाँ, इतना अनुमान तो आप लगा सकते हो कि ये मुर्गियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे अब बतख भी पाले जाते हैं, पर वो अंदर है, कहीं पैक हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक खासियत है कि जैसे ही शाम होती है 5 बजे के बाद, लोग अपने अपने छतों पर यहाँ पे कॉल करने के लिए, कोई घूमने के लिए मतलब आते रहते हैं। वैसे तो आजकल, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो बहुत ही कम लोग हैं जो रोड पे दिखाई देते हैं, या फिर किसी का कुछ काम है तभी रोड पे जाते हैं। और हमें खुशी है कि यहाँ पर लॉकडाउन का पालन हो रहा है। जैसे ये बंदा आपको दिखाई दे रहा है, इसके हाथ में आपने देखा होगा कुछ थैला भी होगा, ठीक है दोस्तों। तो मतलब बोलने का मतलब है कि ये फालतू नहीं जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, हम ऐसे ब्लॉग आपके लिए बनाते रहेंगे, और इन ब्लॉग से आप प्रभावित हो और हमसे जुड़े रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि आजकल आप घर पे हो, इतना तो कर ही सकते हो यार, जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। वैसे भी देख लो, ना तो हम यहाँ पे लॉकडाउन का कोई उल्लंघन कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, घर पे हैं और अपने घर की लोकेशन से ही बना रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, घर पर रहें। और मैं अब दिखाता हूँ आपको, जिस बंदे का ये चैनल है वो कहाँ पर है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो बिजी है। हम आपको जूम करके आप बता लेते हैं, लग तो ऐसा रहा है कि ये टॉयलेट कर रहा है, पर ये टॉयलेट नहीं कर रहा है, ये फ़ोन पे बात करने पे लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ बिजी है। खैर, इसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, इसको डिस्टर्ब क्या करना है। पर हाँ, हम इतने अच्छे तो है नहीं कि जो इसको शांति से बात करने दे, थोड़ा सा इसके अगल बगल घूम लेंगे, अगर ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब करना। तो ये बंदा है जिसका ये चैनल है, और चलो वो थोड़ा थोड़ा वहाँ से गति कर रहा है, इसलिए हम मूव हो जाते हैं, क्यों डिस्टर्ब करना उसको, है ना। उसकी अपनी लाइफ है बेचारी की, बड़ी मुश्किल में तो कोई बात कर रही होगी उससे, वैसे उसको तो कोई बात बूत भी नहीं करता। यहाँ की झाड़ियाँ क्या क्या यहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहले हम आपको मिलाएंगे यहाँ की सबसे प्रभावित और डोंट टच मी वाली झाड़ी, इसको कहते हैं कंडाली, गढ़वाली में इसको कंडाली कहते हैं, वैसे हिंदी नाम इसका है बिच्छू घास। इसको आप टच करोगे या कुछ भी करोगे तो आप इसको कभी मतलब टच नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये काफ़ी वैसा होता है, हार्मफुल होता है, इसलिए वैसे इतना भी बुरा नहीं है ये, पर ऐसा है कि थोड़ा डेंजर तो माना जाता है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इसका, तो दरअसल मुझे नाम तो, मैं आपको ख़तरनाक झाड़ियाँ दिखा रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। इसका तो वैसे मेरे को कुछ नाम तो याद नहीं है, पर वैसे दिखने में ही आपको इसको थोड़ा आपको डर लग रहा होगा, क्योंकि इसमें कांटे हैं, बारीक बारीक रेशेदार टाइप की, एक फूल भी है काफ़ी सुंदर यहाँ पे आपको दिखेगा। हम आपको जूम आउट करके दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, ये ऐसे इस प्रकार के इसमें फूल होते हैं, पर इसकी फूलों की खासियत भी ये होती है कि ये फूल भी कांटों के साथ ही उत्पन्न होते हैं। शायद मैं टच कर सकता हूँ मैं, हाँ ये काफ़ी सॉफ्ट है, सॉरी ये काफ़ी सॉफ्ट है, हाँ इसको अंदर से अगर टच करोगे तो तब जाके ये थोड़ा हार्ड होगा।
हाँ, बाकी तो इस पर टच करना तो बेकार ही है। जो ये बिच्छू घास है देखो, इस बिच्छू घास की गढ़वाले की में जो जब बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, मम्मी पापा के हाथों से निकलते हैं, मम्मी पापा के हाथों से निकलते हैं, तो इस तो घर की जो माताएं हैं इसका इस्तेमाल करती है। जैसे अदर स्टेट में ऐसा होता है कि बच्चे को मतलब मार दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ ये लगा दो वो भी पिछवाड़े में और बच्चा दो दिन में आपकी आपका कहना मानेगा। और मेरा भाई आ चुका है यहाँ पे, आप ठीक है, आप देख सकते हो इस बंदे का वो चल रहा है, काफ़ी हीरोपंती दिखा रहा है। खैर दिखाई गई आखिर भाई किसका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे भाई की यूट्यूब चैनल को।